मैडम उठिए, सवेरा हो गया। मैडम जी, हमारा नाम आकाश है। लगता है पापा ने फिर से नया नमूना पाल लिया। मेम साहब ने बताया है आपको बचपन से बैटरी भी नहीं किया जाता, इसलिए हम आपके लिए टीले लगाए हैं मैडम जी। ठीक है, तुम जो भी हो मेरी चाहिए तो। तुम जाओ यहाँ से। अरे भाई, तुम क्यों खड़े हो? बैठो, हमारे साथ नाश्ता करो। हम आपके साथ कैसे बैठ सकते हैं? आकाश, तुम अपने आप को इस घर का नौकर मत समझना। तुम हमारे गांव के हो, यहाँ हमारा बचपन बीता है। चलो बैठो, नाश्ता करो। अरे हम कह रहे हैं ना, हमारे साथ बैठो। नहीं नहीं सर जी, एक बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे लिए सर जी नहीं, बाबू जी हूँ। बैठो। अरे रे रे, अरे यहाँ नहीं, वहां बैठो, ऊपर बैठो। आप क्या देख रहे हो, नाश्ता लगाइए। बाबूजी, नाश्ता कैसा बना है बाबूजी? अगर कोई कमी हो तो आप हमें जरूर बताना, ताकि हम आगे उसे ठीक कर सकें। नाश्ता ठीक बना है, और थोड़ी कमी होगी तो हम एडजस्ट कर लेंगे, और तुम्हारी हेल्प के लिए नंदनी है ना। अरे आकाश, तुम जरा सी भी फिक्र मत करो, हमारी मम्मी अपने गांव से एकदम परफेक्ट कुक बनकर आई है, और तुम्हें भी 5-स्टार होटल का कुक बना देंगी। बेटा आकाश, तुम इसकी बातों का प्रमोट मानना, तो बकबक करती ही रहती है। हेलो, हाँ आलम भाई, आदाब। बस कभी कभी माँ की याद आ जाती है। ये क्या मेम साहब लगा रखा है,
गुजरे जमानों की बात है ये सब, मालिक और नौकर। मम्मा ने बोला था ना, तुम इस घर के नौकर ही बल्कि सदस्य हो। आपको मेरे साहब ना कहे तो क्या आपका नाम लेकर पुकारे? तुम आकाश और मैं कांशा। जी नहीं मेरे साहब, हम आपका नाम नहीं ले सकते, हमें लेट हो रहा है, मार्केट जाना है। अरे आकाश सुनो, पूछने वाली बात है। आज तक तुमने जितने भी टेंडर भरे सब हमारी फर्म के नाम छूटे। तुमने गणित में बहुत महारत हासिल की। आप भी क्या मजाक करते हो, आपके साथ रह के आपके सोबत का असर। मैं गांव की सीधी सादी लड़की हूँ, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता था। ये टेंडर वेंडर भरना मैंने आपसे ही सीखा है। कुछ भी कहो, इसमें तुम्हारी भी तो मेहनत है। ये आकाश कहाँ गया? मैंने उसे मार्केट भेजा है सामान लेने के लिए। सोच रहा हूँ कि घर के लिए अगर बेहतर ईमानदार नौकर मिल जाए तो उसे मैं अपनी फैक्ट्री में रखूँगा। अच्छा तुम ऐसा करो, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना, तब तक मैं फ्रेश हो गया। ओके क्या कर रही है? मैं तब तक नहीं अपने हाथ हटाऊंगी जब तक तुम मुझे आकांक्षा नहीं कहो। मेम साहब घर में कोई देख लेगा। मेम साहब छोड़िए, मेम साहब ये क्या कर रही है? छोड़िए मेम साहब छोड़िए, कोई देख लेगा। कहो आकांक्षा। मैडम देखिए ये क्या बचपना है। आकांक्षा कहो। मैं आकांक्षा नहीं बोल सकता, आप मालिक की बेटी है। नहीं मैडम नहीं, मैं आपको आकांक्षा नहीं बोल सकता। ठीक है ठीक है, आकांक्षा आकांक्षा छोड़िए। ये क्या मजाक है आकांक्षा, तुम इतनी नादान तो नहीं? क्या तुम जानती हो तुम्हारा ये मजाक मुझे कितना महंगा पड़ता? अगर माँ जी ये सब देख लेती तो फिर मुझे नौकरी से भी निकाल देती। आकाश नादान मैं नहीं, नादान तुम हो। तुम मुझे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। देखो मेरी आंखें देखो, तुम्हें इनमें वो दिखेगा जो मैं दिखाना चाहती हूँ, और वो है तुम्हारे लिए मेरा बेपनाह प्यार प्यार प्यार। आकांक्षा दिल तो हमारे सीने में भी है और धड़कता भी है, लेकिन हमारी हैसियत हमें इसकी इजाजत नहीं देती। I love you, आकाश। क्या कर रही हूँ मैडम? नहीं आकांक्षा नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता, तुम पागल हो चुकी हो। भला एक नौकर अपने मालिक की बेटी से कैसे प्यार कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता, जब हीर को रांझा से हो सकता है, रोमियो को जूलियट से हो सकता है, लैला को मजनू से हो सकता है, तो आकाश को आकांक्षा से क्यों नहीं हो सकता? आकांक्षा को आकाश से प्यार है। ये दिलों के फैसले आकाश, और दिलों पर ही छोड़ दो। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आकाश आकांक्षा आप यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? क्यों मैं यहाँ आ नहीं सकती, मेरी मर्जी मेरा दिल। आकांक्षा प्लीज मुझे ये नौकरी करने दो, मेरी माँ गांव में बीमार है, मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। ये क्या पागलों की तरह बातें कर रहे हो आकाश, मैं तुम्हें मालिक देखना चाहती हूँ और तुम वो नौकरी के पीछे पड़े हो। आकाश प्यार प्यार होता है, इसमें अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती है। आकाश मेरा दिल तुम्हें चाहने लगा है तो उसमें बुराई क्या है? आकांक्षा प्लीज प्लीज यहाँ से बाहर चली जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। आप जो चाहती हो वो हरगिज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैंने तुमसे प्यार किया है, और ये प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, और इस दौलत को मैं पाकर ही रहूंगी। याद रखना।
क्या सोच रहा है आकाश? यही ना, इधर जाऊं या फिर उधर जाऊं? करोड़पति सेठ की बेटी तुझसे प्यार करने लगी है, ये सारी दौलत, ये सारी जायदाद का तू मालिक बन जाएगा, मगर दूसरी तरफ तेरे असल, तेरे आदर्श, तेरी वो इंसानियत तेरे और आकांक्षा के बीच आ रही है। अब फैसला तुझे करना है, तेरे जमीर की आवाज़ क्या कह रही है और तेरा दिल क्या कह रहा है। जी तो नहीं चाहता, लेकिन हम मजबूर हैं। आपकी बेटी आकांक्षा जो बहुत ही भोली और सीधी सादी है, हमसे प्यार करने लगी है, और अगर मैं यहाँ रुका तो किसी ना किसी दिन अनर्थ हो जाएगा। आकाश का जमीर ये कभी गवारा नहीं करेगा कि आकाश अपने स्वार्थ के कारण किसी इज्जतदार परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दे, जो मैं नहीं चाहता। इसमें ही आपके परिवार की इज्जत कायम रहेगी। डैड, इसमें जो कुछ भी लिखा है वो सब सच है। हम आकाश से बहुत प्यार करते हैं डैड। उसने हमें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें उसकी आदर्शवादी बातें समझ नहीं आती है, क्योंकि हम उससे बेहद प्यार करते हैं डैड। हम उसे किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते। बस मुझे गर्व है उस आकाश पर, उसने हमारी इज्जत पर दाग ना आने दिया। अब इस दीनदयाल का भी फर्ज है कि वो आकाश को अपना दामाद बनाकर अपनी बेटी का दामन खुशियों से पकड़े। चलो आकाश को ढूंढ के लाते हैं।